हमने अपने दुकानदार मिलके ये गेट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ यहां पे साहब बहुत टाइम से ये भरत स्कूल खुलिया आए दिन यहां शौचालय बनाने की सोच रहे हमने बोला यहां मत बनाओ शिव का मंदिर है यहां साल में तीन बार जागरण होता है भंडारे होते हैं यहां मत बनाओ और पहले डिगी तालाब के पास में बना हुआ था वहां प्रेम ने तोड़ के प्रेम गाय वाला उसने तोड़ के अपना अवैध कब्जा करके रखा है नहीं है तो पूछ लो उससे पट्टा है क्या उसने जो कब्जा कर रखा है अच्छा इसको बनाना है तो हमने कहा ये हेडपम्प है इसके पीछे बनवा लो पीछे बनवा लो वो बोलता नहीं मैं यहाँ मेरे को 1.5-2 लाख की कमाई है यहाँ पे अब उसको कौन समझावे भरत खोलभरिया बोलता है कि मेरे को 2 लाख की यहाँ कमाई है किस चीज से कमाई है ये ठेकेदार मेरे को मिलेगा भुगतान तो आज आपने पार्षद के लिए प्रदर्शन करा हाँ और हमने तो घर बन जाता है मंदिर के पास तो आप क्या करोगे हम यहाँ पे गन्ना करेंगे और सारी दुकानें बंद कर देंगे भारत खोखरिया ये मंदिर है शिव जी का हिंदुओं की आस्था है इनमें और इस मंदिर के सामने ये शौचालय बनाने की कोशिश की जा रही है भरत दोलखड़िया जी को 50 बार वो बोल चुके हैं कि यहाँ आयोजन होते हैं और उनके सामने होते हैं इनके पीठ पीछे कुछ नहीं होता है हर 2-3 महीने में होते हैं कभी कोई भंडारा होता है कोई जागरण होता है शिवरात्रि का होता है जागरण होता है अब इन आस्थाओं के बीच में यहाँ पेशाब घर बनाना उचित है क्या और हर 6 महीने में उनकी नींद खुलती है और यहाँ टपक पड़ते हैं काम करने के लिए यही एरिया मिलता है उनको अब आप बताएं कि यहाँ शिव के मंदिर के सामने ये चीज बनना वाजिब है और हमारा विरोध गलत है क्या हम यही चाहते हैं हम नगर निगम में लिख के भी देके आए हैं कि यहाँ पर आप सरकारी बोला उन्होंने कहा था ये सरकारी जमीन है आप हॉस्पिटल को दे दो हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पर यहाँ पेशाब घर बनना कहाँ तक वाजिब है आपका पार्षद कौन है भरत दोलखड़िया को आपने कंप्लेंट की और शिव मंदिर के पास क्या करोगे आप इनको बताओ कि यहाँ पे बनना चाहिए क्या आस्था के साथ खिलाफ विरोध होगा मार्केट बाजार बंद होगा आप बाजार बंद करेंगे आप हम इतना निवेदन करते हैं आप लोगों से कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न करें हिंदू की आस्था है वो भी हिंदू है उनको है ये शिव का मंदिर है ये नवाब का बेड़ा है खटेरा चौक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हाँ गवर्नमेंस डिस्पेंसरी पास है यहाँ आए दिन एम्बुलेंस आती रहती है इतना अगर स्पेस रखेंगे तो गाड़ियाँ कहाँ से आएगी एम्बुलेंस कहाँ से आएगी आपसे हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई आस्था के खिलाफ काम न करे अशोक बतवानी प्रदर्शन मेरे विरोध में नहीं मेरा विरोध जबरदस्ती बनाया गया यहाँ पे क्या है कि निगम के द्वारा महिला स्नान घर बनना है आयुक्त मैडम के आदेश हैं संबंधित जयन आए हुए हैं और इन लोगों ने क्या है कि मतलब विवाद मेरे नाम के खड़ा कर दिया कि ये बनवा रहे हैं वगैरह वगैरह ऐसे और अफवाह फैला रहे हैं बिना काम मंदिर पास में बनने नहीं देगी मंदिर साइड में है और इन ये लोग क्या है कि ऐसे फैला रहे हैं कि शौचालय बनेगा जबकि वो महिला स्नान घर है जब अपने हिंदू धर्म में कोई गुजर जाता है तो उसकी जो रस्म अदा करते हैं कपड़े धोने की वगैरह वगैरह वो चीज़ है ये बात तो मतलब निगम ही बता सकता है बनेगा क्यों जो बनेगा नहीं बनेगा मतलब भरत दोलखड़िया पार्षद वार्ड 13